प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही SkyMet AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, SkyMet वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पालावा। तो आज हम उत्तर भारत की बात करेंगे और साथ ही साथ गुजरात और राजस्थान के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि अब जो पश्चिमी विक्षोभ है वो जम्मू कश्मीर के आसपास आ गया है और अब ये बारिश की गतिविधियां देना शुरू करेगा। हालांकि बारिश की गतिविधियां हल्की ही रहेंगी और ऊंची पहाड़ियों पर लाइट स्नोफॉल के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में भी जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां रह सकती है। अगर राजस्थान की बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आप देखिए पाकिस्तान और उससे सटे हुए नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और वहां से एक ट्रफ रेखा इस तरह से सिंध के आसपास तक आ रही है, जहां पर एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है और वहां से गुजरात की तरफ एक ट्रफ रेखा यानी कि निम्न दबाव की रेखा है और जहां पर ये इस तरह की ट्रफ बनती है वहां बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो जैसे हमने देखा कि राजस्थान में अभी फिलहाल मौसम साफ है और तापमान काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। गंगानगर वगैरह में जो तापमान है 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी अभी गर्मी बरकरार रहेगी लेकिन कल होते होते इस ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव दिखने लगेगा और राजस्थान के कुछ भागों में एक दो स्थानों पर हल्की आंधी या बूंदाबांदी हो सकती है। ये होगा 29 तारीख को। 30 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी, धूल भरी आंधी भी बढ़ जाएगी और उसके बाद 1 मई से लेकर के 6 मई के बीच में राजस्थान के कई इलाकों में बारिश गरज के साथ बौछारें, एक दो स्थान पर ओलावृष्टि और तेज आंधी चलने की संभावना है। 5 और 6 मई को जो इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होने की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात में भी पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा है कि बारिश की गतिविधियां हो रही है लेकिन पैची रेन हो रही है। कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में नहीं हो रही। कल सुरेंद्रनगर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हुई, तेज हवाएं भी चली और उसका प्रभाव गुजरात के कई इलाकों में देखने को मिला। अभी भी गुजरात में बादल बने हुए हैं और ये ट्रफ रेखा है। अगर देखा जाए तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक बना हुआ है, यानी 300 हेक्टोपास्कल तक है और यहाँ से एक ट्रफ रेखा इस तरह अंदर आ रही है और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएगा और राजस्थान के ऊपर आ जाएगा अगले 3-4 दिनों के दौरान। तो राजस्थान में बारिश बढ़ाएगा और साथ ही साथ गुजरात के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और हो सकता है कि जो पूर्वी जिले हैं इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा हों इन कंपैरिजन टू जो सौराष्ट्र और कच्छ है। तो यानी गुजरात रीजन में अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड, डेंग, पंचमहल इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी लेकिन गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं या 1 मई के आसपास तक इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहेगी। उसके बाद गुजरात का मौसम लगभग साफ हो चलेगा लेकिन राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी इलाकों में भी ये 1 मई से बारिश की गतिविधियां होंगी जो 4 और 5 या 6 मई को बढ़ जाएंगी। तो ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं ये 2 और 3 मई के आसपास का वेदर है, यानी कि 2-3 मई के आसपास वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी पूरे उत्तर भारत में। तो उस समय अभी जो गर्मी है यानी भीषण गर्मी जो चल रही है, यानी 41 डिग्री के आसपास दिल्ली का तापमान गया है और आज 42 जा सकता है, कल भी 42 जा सकता है, तो 30 तारीख से हल्की राहत मिलेगी और उसके बाद मई का जो पहला सप्ताह है वो काफी आरामदायक रहेगा, यानी कि जो गर्मी है वो इस पूरे इलाके में कम हो जाएगी, 3-4 डिग्री तक तापमान गिर सकते हैं। इसके आगे जो अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। SkyMet वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।